नमस्कार दोस्तों, दोस्तों क्या आप भी टिकटॉक को मिस कर रहे हैं या अपने टिकटॉक के अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे अपने टिकटॉक के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में टिकटॉक बैन होने की वजह से ऐसा करना मुमकिन है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अपने टिकटॉक के अकाउंट को फिर से ओपन कर सकते हैं और उस पे अपलोड किए गए वीडियो को आप देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पसंदीदा टिकटॉकर्स के वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने फॉलोअर्स और फॉलोइंग को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को फिर से ओपन कर सकते हैं। वीडियो को बढ़ाने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कैसे आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को फिर से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर या गूगल को यूज करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर को ही ओपन करना है। यहाँ पे मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट टाइप करना है, urlevird.com। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने, नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो आ रहा है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको जो सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा उर्ले वर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप अपने टिकटॉक टिकटॉक के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टिकटॉक के वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये जितने वीडियो हैं सब टिकटॉक के वीडियो हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है। आपको अपने अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर देना, अपने यूजर नाम को, यूजर नेम को ऐड कर देना। जैसे कि मेरा यूजर नेम है @शिवांशु, तो यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम सर्च कर देना है या अपने किसी भी फेवरेट स्टार, फेवरेट टिकटॉकर्स के यूजर नेम को यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने यूजर नेम को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे अप्लाई सर्च कर देना है, यहाँ पे है सर्च, सर्च करेंगे तो आपका अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो फॉलोअर्स हैं 14K हैं, यहाँ पे 14K हैं, मतलब 14,000 फॉलोअर्स हैं और इतने लाइक्स हैं। आप यहाँ से अपने अकाउंट के फॉलोअर्स और लाइक्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो ऐड कर रखा, अपलोड कर रखा था, वो सब मेरे सामने आ गए हैं। बस आपको करना क्या है, जिस वीडियो को आपको देखना है उस पर आपको क्लिक करना है, उसे डाउनलोड करना है तो भी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको भी एक वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इस वीडियो को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे प्ले का बटन आ जाएगा, आपको प्ले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्ले करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लगेगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो बहुत स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे प्ले किया तो यहाँ पे मेरा वीडियो आ गया, तो आपको यहाँ से अपने वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा प्ले होने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए ऐसा है। तो आपको बस जैसे आप टिकटॉक पे ओपन करते थे कि स्लाइड करते जाओ वीडियो चलता रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है क्योंकि आपको यहाँ एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, बस अपने फॉलोअर्स, फॉलोइंग या अपने लाइक्स को चेक कर सकते हैं, अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बस इतना ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्लाइड करना नहीं होगा, बस आपको अपने वीडियो को, जिस वीडियो को देखना हो उस पर क्लिक करके आप उसे देख या उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा वीडियो ओपन हो रहा है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से या बहुत स्लो चल रहा है, तो आप यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो मैंने अभी ईयरफोन लगा रखा तो उसका आवाज़ नहीं आ रहा, तो आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको डाउनलोड करना होगा तो आपको करना क्या होगा, जिस वीडियो को डाउनलोड करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये आप इसे प्ले करेंगे तो नीचे स्लाइड थोड़ा सा करेंगे तो आपके सामने ये एरो का निशान बना हुआ दिखाई देगा, तो आपके इस एरो के निशान पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे एरो का निशान पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो डाउनलोडिंग हो जाएगा, मतलब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने देखो जैसे सिलेक्ट किया वैसे मेरा वीडियो डाउनलोड हो रहा है ओपन। यहाँ पे देखो मेरा वीडियो डाउनलोड हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ या वीडियो यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आपको गैलरी में चल के दिखाता हूँ कि मेरे वीडियो कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो जो डाउनलोड किया था ये यहाँ पे है, तो
आपको प्ले करके दिखाता हूँ, वही वीडियो है जो मैंने भी डाउनलोड किया। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, आप किसी भी अपने फेवरेट स्टार टॉकर्स के यूजर नेम का यूज करके उसके वीडियो को देख भी सकते हैं और उसे अपलोड सॉरी और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही उर्ले बर्ड कोई नया अपडेट लाता है, वीडियो अपलोड करने की कोई ऑप्शन देता है, तो मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए।